हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज जिस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है भैया सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स। इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं और ये पहली टेक्निक है, इजिएस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स का। ये सबसे पहला और सबसे बढ़िया और सबसे आसान टेक्निक मैं आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। कौन सा बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ऑफ प्री रिक्विजिट नॉलेज कि भैया सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक होता क्या है। सिंपल सी बात है, इसका भी एक ही मोटिव होता है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए। दैट्स इट, ये उसका प्राइमरी मोटिव होता है। अभी इस प्राइमरी मोटिव को हासिल करने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग हासिल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब आप जानते हो, एक की जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो एक तो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स हो सकता है। अभी अगर आपका प्लेन टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स में है, प्लेन टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या करोगे आप? उसके एक अल्फाबेट को किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस करोगे। 26 अल्फाबेट पड़े हुए हैं, कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, उससे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा अल्फाबेट है उसको किसी और तीसरे से सब्स्टिट्यूट कर दो। कहने का मुद्दा यह है कि आप सिंपली रिप्लेस करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो एक की जगह पे दूसरे अल्फाबेट को, एक की जगह पे दूसरे डिजिट को सब्स्टिट्यूट करते हो। दैट इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स मीन। और उसका सबसे आसान उदाहरण, सबसे आसान जो मेथड टेक्निक है वो है भैया सीजर साइफर। सीजर साइफर अभी ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसका क्या फंडा है, क्या है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो पहली बात तो ये जान लीजिए, जो ऊपर कैपिटल में ए टू जेड लिखा हुआ है वो मेरे प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट्स है। क्या है वो? मेरे प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट्स है। और जो मेरे ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, जो कि आपको कहीं से भी एबीसीडी नहीं लग रहा, बस अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वो है मेरा साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट्स। क्या है वो? साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट। अभी ये मैंने कैसे लिखा? क्या कोई भविष्यवाणी हुई थी, चमत्कार हुआ था? कैसे लिखा भाई? कुछ तो लॉजिक होगा इसमें जी कि तूने ऐसे लिखा है, बता भाई हमको क्या लॉजिक है। तो लॉजिक आपके सामने है, ये है लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये लॉजिक कहता क्या है कि आपको प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, बराबर प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, आपको उसको एनक्रिप्ट करना है ई, आपको उसे क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है और कन्वर्ट करना है उसको साइफर टेक्स्ट में। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि दिया हुआ है प्लेन टेक्स्ट, उसको एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये तीन क्या कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, ये तीन का क्या मतलब है? तो वो तीन का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज अज्यूम कीजिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरो, पहला वाला जो कैपिटल है उसको जीरो मार्क करो, मतलब एक नंबर असाइन करो उसको। क्या करो? उसको एक नंबर असाइन करो और वो शुरू करो जीरो से, बराबर। तो इसको जीरो है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यहाँ पे लास्ट में 25 आएगा। समझ में आ गया ना? टोटल 26 है, शुरू किया जीरो पे तो लास्ट होगा 25 पे, ठीक है। तो इसको ए को, कैपिटल ए मतलब जो प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट है उसको मैंने जीरो दिया है, इसको 1 दिया है, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। उसी तरीके से ये जो कैपिटल जेड है इसको मैंने 25 दिया है। इसको क्या दिया मैंने? 25 दिया, ठीक है। यहां तक मामला समझ में आ गया। अभी आगे क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। दिस फॉर्मूला इफ यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस थिंग, ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर। ये इसका सॉर्टेड वर्जन है या फिर एक्सप्रेस्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस्ड वर्जन क्या कहता है कि पी, पी मतलब क्या? प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट। प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट का कोई भी अल्फाबेट पकड़ लो, चलो मैंने पकड़ लिया ए, मैंने ए पकड़ लिया, ठीक है। तो ए खाली नहीं पकड़ना है आपको, ए के साथ साथ आपको उसका नंबर भी पकड़ना है। क्या पकड़ना है? ए के साथ साथ उसका जो असाइन नंबर है। तो ए को मैंने कौन सा नंबर असाइन किया? जीरो। मतलब ऐसे मान लो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। इसी तरीके से लास्ट में जो जेड है उसको 25 मिलेगा, ठीक है। तो ए को कौन सा नंबर असाइन किया है मैंने? जीरो असाइन किया है। तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे, तो पी की जगह पे जीरो आ जाएगा, एंड प्लस भाई 3 तो है ही यहाँ पे, और मॉड 26, मॉड 26। तो अभी ये क्या होता है? 3 mod 26 is nothing but 3. अब ये 3 का क्या मतलब है मेरे को बताओ, what do we mean by 3? अब 3 का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका ये जो प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट है, उस प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसको 3 नंबर असाइन किया गया है, कौन सा अल्फाबेट है वो? तो जिसको 3 असाइन किया गया है वो है D, वो है D। तो हम लोग क्या करेंगे, D को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल D लिखेंगे, ताकि हम लोग फर्क जान सके कि हाँ भैया ये अपना प्लेन टेक्स्ट है और ये साइफर टेक्स्ट है। तो इस D को मैंने यहाँ पे स्मॉल D करके लिख दिया कि हाँ दिस इज द डी। तो यहाँ पे अगर मुझे कभी भी किसी भी हालत में प्लेन टेक्स्ट में, किसी भी सेंटेंस में प्लेन टेक्स्ट के अगर मुझे ए दिखाई देता है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा बाय स्मॉल डी, या फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा बाय डी, ये कहना मान लीजिए, ठीक है। कि मतलब अगर ए आपको दिखता है, कहीं पे भी ए दिखता है आपको आपके प्लेन टेक्स्ट में, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है बाय डी, उसको सब्स्टिट्यूट करना है बाय डी। अभी अगला नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी है, मेरा प्लेन टेक्स्ट बी है, तो प्लेन टेक्स्ट बी से जुड़ा हुआ नंबर कौन सा है? 1 है। तो मैं यहां पे 1 लूंगा, प्लस 3 करूंगा और फिर इसका मॉड लूंगा,
मॉड 26, तो 4 मॉड 26 इज नथिंग बट 4 सिंपल। तो अभी हमें ढूंढना क्या है कि हमारे प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट का 4 नंबर किससे असाइन किया गया है, तो वो कौन सा अल्फाबेट है, ई है, दैट अल्फाबेट इज ई, तो उस ई को हम लोग यहां पे लिख देंगे, उस ई को यहां पे लिख देंगे, सो यहां पे जो भी आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट द साइफर अल्फाबेट बन जाएगा। तो ये 4 आया, तो 4 से जुड़ा हुआ कौन है, 4 से जुड़ा हुआ ई है, तो ये ई जो है ये आपका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, और समझ में आया, इसीलिए इस ई को मैंने स्मॉल ई में रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपका साइफर टेक्स्ट बन गया। मतलब अगली बार अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसे कन्वर्ट करना है, एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, तो अगर उस प्लेन टेक्स्ट में अगर आपको कहीं पे भी बी दिख जाता है, कहां पे, कहीं पे भी अगर बी दिख जाता है, तो उसको तुरंत सब्स्टिट्यूट कर दो बाय ई, बराबर उसी तरीके से आगे करते जाओ, उसी तरीके से आगे करते जाओ, और आप, मैंने ये पूरे के पूरे जो साइफर वैल्यूज है वो लिख रखी है, मतलब ये एक तरीके का मैपिंग है, ये एक तरीके का मैपिंग फंक्शन है, मतलब ईच अल्फाबेट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज गेटिंग मैप टू दिस अल्फाबेट ऑफ द साइफर टेक्स्ट। मतलब अगर कहीं भी ए आया प्लेन टेक्स्ट में, तो उसको डी से रिप्लेस करो या सब्स्टिट्यूट करो, ई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, C दिखा तो F से सब्स्टिट्यूट करो, D दिखा तो G से सब्स्टिट्यूट करो, E दिखा तो H से सब्स्टिट्यूट करो। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक, और ये उसका बेसिक फंडा है, बेसिक नमूना है, बेसिक प्रोटोटाइप है, बेसिक मेथड है ऑफ द सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तो फंडा क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये मैंने कैसे मैपिंग किया ये समझ में आ गया। अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई मैं कह क्या रहा था कि अगर प्लेन टेक्स्ट में ऐसा कुछ अल्फाबेट आ जाता तो उसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है, वो अभी हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, बराबर, अब ये मैं मैसेज भेजना चाहता हूं श्रीधर मानकर को, उसी के चैनल का मैसेज उसे भेजना चाहता हूं, तो फिर यहां पे लिखा हुआ है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये चैनल का नाम है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। अभी इसे मैं चाहता हूं कि मैं इसको हाई सिक्योरिटी के साथ भेजू, मतलब सिक्योरिटी रहे, मैं हाई सिक्योरिटी नहीं बोलूंगा, कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ऐसा ना हो कि अटैकर ले ले, उसको पढ़ ले और उसको समझ में आ जाए, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बिट ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीजर साइफर मेथड यूज किया। अब ये क्या करता है, सिंपली आपको देखना है एफ, ये क्या है, ये जानबूझ के मैंने कैपिटल में लिखा है ताकि आप जान सको, ताकि आप समझ सको कि जो ये कैपिटल में लिखा है, ये कैपिटल लेटर्स यहां से आपको चुनने हैं, कहां से, प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट में से चुनने हैं, और यहां पे जो स्मॉल लेटर दिख रहे हैं आपको कहां से चुनने हैं, साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट में से चुनने हैं। तो कैसे करना है, एफ पहला लेटर है एफ, तो आपको ऊपर ढूंढना है भाई एफ कहां है, ये रहा भाई मेरा एफ, अभी इस एफ को मैं किस साइफर अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं उसे आई से रिप्लेस कर सकता हूं, बिकॉज ये मुझे मैपिंग फंक्शन से मिला है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस एफ की जगह आई लिख दूंगा, उसी तरीके से मैं अभी आई को ढूंढूंगा, तो ये रहा मेरा आई, अभी इस आई को जो मेरा प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट है उसे मैं किससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यहां पे आई की जगह पे मैं स्मॉल एल, यानी कि साइफर अल्फाबेट एल में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे एल सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरीके से वी का भी फंडा है, अब चलो वी ढूंढते, ये रहा वी, अब वी को मैं किस अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, साइफर अल्फाबेट y से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो यहां पे मैंने y कर दिया। इसी तरीके से सारे जो फंडे हैं, हर एक अल्फाबेट को मैंने ऐसे करते गया, और अभी आप देखोगे दिस इज द मीनिंग ऑफ 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ये मेरा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट। और जब मैं इसको भेजूंगा रिसीविंग एंड पे, तो रिसीविंग एंड पे भी ये फंडा पता होगा उसको, रिसीविंग एंड पे ये फंडा पता होगा, तो वो सिंपली क्या करेंगे, अगर उनको जनरेट करना है कि भैया ओरिजिनल रिसीविंग एंड पे अगर उनको ये मिलता है साइफर टेक्स्ट, और उनको जनरेट करना है कि भाई ये कहना क्या चाहता था सेंडर, तो वो क्या करेंगे, ये वाला फंडा यूज करेंगे, मतलब प्लेन टेक्स्ट चाहिए उनको, बराबर, दे वांट प्लेन टेक्स्ट, और उनको क्या करना है, डिक्रिप्शन करना है, बराबर, और वो क्या है, 3 का आंकड़ा तो उनको पता ही है, वो तो फिक्स हुआ होगा 3 का आंकड़ा, और यहाँ पे आपने साइफर टेक्स्ट उसको दे दिया है, क्या दे दिया है, साइफर टेक्स्ट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली वी कैन सॉल्व इट एज, जो आपका प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा यहाँ पे, जो आपका साइफर टेक्स्ट है, मतलब जो आपका साइफर अल्फाबेट है, माइनस, उसमें मैं 3 माइनस करूंगा, 3 माइनस हो गए, उसके बाद में मॉड 26 लगा दूंगा, दैट्स इट, बराबर। तो इससे मुझे जो मिलेगा वो मुझे अपना प्लेन अल्फाबेट मिल जाएगा। अभी यही आप इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए, इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपको तुरंत यही 5 मिनट इंजीनियरिंग आंसर मिल जाएगा। मतलब यही चीज आप उल्टा करना है, सेंडिंग के वक्त हमने क्या किया, प्लेन टू साइफर किया, बराबर, प्लेन टू साइफर, रिसीविंग में हम क्या कर रहे हैं, साइफर टू प्लेन, मतलब अभी साइफर हमें पता है आई है, तो भैया आई ये रिसीवर को दिख जाएगा कि हाँ यहां पे आई है, तो अभी आई से मुझे क्या करना है, जो मेरा ओरिजिनल अल्फाबेट होगा प्लेन अल्फाबेट वो मुझे निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कि आई विल बी नथिंग बट एफ, तो वो लिखेगा यहाँ पे आई की जगह एफ,
उसी तरीके से वो हर एक को रिजोल्व करते जाएगा, हर एक को रिजोल्व करते जाएगा, और जैसे वो रिजोल्व करेगा उसको पूरा मैसेज देखने को मिलेगा 5 मिनट इंजीनियरिंग। तो ये फंडा आपको पता होना चाहिए कि डिक्रिप्शन करते वक्त आपको प्लेन अल्फाबेट वैल्यू चाहिए होती है, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट का अल्फाबेट होता है वो चाहिए होता है, उसके लिए आप ये यूज करोगे। मतलब डिक्रिप्शन के लिए साइफर अल्फाबेट गिवन होगा, प्लेन अल्फाबेट फाइंड करना होगा, एंड इंक्रिप्शन के वक्त, मतलब इंक्रिप्शन के वक्त आपको प्लेन अल्फाबेट दिया होगा, साइफर अल्फाबेट फाइंड करना होगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ है ही नहीं, इतना आसान है ये फंडा, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक एडवांटेज की बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल टू इंप्लीमेंट है, बराबर, और जहां पे सिंप्लिसिटी आ जाती है वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हट जाती है, और अगर सिंप्लिसिटी है तो उसके साथ साथ डिसएडवांटेज आता है कि ये इतना सिंपल होने की वजह से अटैकर को ज्यादा, सी मैं ये नहीं कह रहा कि अटैकर मतलब थर्ड पार्टी, यानी कि जो आपका इन्वेडर होगा, इंट्रूडर होगा, उसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अगर इंट्रूडर के हाथ में ये साइफर टेक्स्ट लग जाता है तो उसको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कीज को उसको एक्सचेंज करके देखना पड़ेगा, और फिर जाके वो फाइनली पहुंच सकता है प्लेन टेक्स्ट तक। मतलब देर आर चांसेस, ओके, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंट्रूडर के लिए इसको डिकोड करना, इसको डिक्रिप्ट करना, वो आसानी से इसको कर सकता है। इसीलिए जितना कोई टेक्निक सिंपल होती है उतनी उसकी सिक्योरिटी लेवल डाउन होती है। अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे ये काफी सिंपल दिख रहा है, ओके, वैसे ही ये आपके अटैकर के लिए या फिर इंट्रूडर के लिए भी ये बहुत सिंपल टेक्निक है टू डिकोड, बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तीन आंकड़े का पैटर्न है, बराबर। मतलब अगर ए अगर मैं लू, इफ आई टेक ए, तो 1 2 3, मतलब उसके जो नेक्स्ट थर्ड अल्फाबेट है, मतलब 3 डाउन, जिसे बोलते हैं थर्ड डाउन अल्फाबेट, तो वो थर्ड डाउन अल्फाबेट जो है दैट इज डी, वो आपका साइफर अल्फाबेट हो रहा है फॉर द प्लेन अल्फाबेट ए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है, और जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स मिलना शुरू हो जाता है वहां पे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, मतलब साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करना और प्लेन टेक्स्ट को ऑब्टेन करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल थोड़ी लो है, अच्छी खासी सिक्योरिटी लो है, लेकिन इजीनेस काफी ज्यादा है, समझ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सकते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली रिसीविंग एंड पे हम लोग प्लेन टेक्स्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी, जिसमें आपको बताया कि भैया ये काम कैसे करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन और भी सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर मैंने थोड़ी बहुत आपकी मदद कर दी होगी एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी मदद उन तक पहुंचने दीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।